आज मन की बात कार्यक्रम के 102वें एपिसोड का तय समय से पहले प्रसारण किया गया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अगले सप्ताह उन्हें अमेरिका की यात्रा पर जाना है, इसलिए कार्यक्रम समय से पहले प्रसारित किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने मन की बात को आज ही प्रसारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 102वें मन की बात एपिसोड का प्रसारण किया, इस मौके पर पूर्व सांसद प्रोफेसर कैलाश सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ताओं की टीम के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सीधे संवाद का यह कार्यक्रम अद्भुत अतुलनीय है। इस मौके पर पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने कहा कि वे खुद इन दिनों चुनावी मोड में हैं और भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने निर्णय लिया कि वे कुरुक्षेत्र लोकसभा के दर्जनों गांवों में जाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगी, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले। उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखना ही उनका मूल उद्देश्य है। युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैंने इस एपिसोड को सुना है और मंडल उप प्रधान थानेश्वर की भी मैडम चांद दत्ता जी हमारे साथ हैं और युवा कार्यकर्ता रंगनाथ और अनिल शास्त्री जी, हम सभी ने बैठ करके मन की बात को सुना है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ऐसे विषयों को टच करते हैं जो सीधे लोगों की अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं और वो उस अभियान का एक हिस्सा अपने आप को महसूस करते हुए आगे उन अभियानों में साथ के साथ लग जाते हैं काम करने को। इतना प्रेरणाप्रद ये कार्यक्रम है और ये हर महीने के लास्ट संडे को होता था, लेकिन अब की बार थोड़ा पहले हो गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी को USA जाना था, वहाँ पर उनके प्री ऑक्यूपाइड हैं कार्यक्रम, इस कारण ये अब की बार पहले हुआ है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, क्योंकि मैं पूर्व सांसद रही हूँ और मैंने 50 गाँव को सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे लोकसभा क्षेत्र के 50 गाँव को खास तौर पर टच करने का अलग से ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसको मैंने प्रारंभ कर दिया है और 3-4 दिन में मेरे ये पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको फिर दोबारा इसके बारे में जानकारी दूंगी कि लोगों की ये दिक्कतें वहाँ पर हमें पता लगी हैं और ये काम हुए हैं और आगे क्या किया जाना है लोकसभा कुरुक्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं भी एक तरह से चुनावी मोड में हूँ और पार्टी भी चुनावी मोड में है, तो मैं पूरा ताकत लगा रही हूँ कि लोकसभा कुरुक्षेत्र के लोगों की मैं सेवा कर सकूँ और मेरे अंदर वो जज्बा और वो पीड़ा है कि मैं लोगों को उनके ग्रास रूट लेवल तक, उनकी समस्याओं की जड़ों तक पहुंच करके उनके काम करवा सकती हूँ। मुझ में ये आत्मबल, ये मनोबल परमेश्वर की तरफ से कुदरती तौर पर भगवान ने दिया हुआ है, जिसको वक्त आने पर मैं इस्तेमाल करूँगी। मुझे मौका मिला तो मैं लोगों के काम करूँगी और मुझे मौका मिलेगा, आई एम श्योर 2000% श्योर कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूँगी।